नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस साल हमारा देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस दौरान आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इस खास दिन स्कूल से लेकर विभिन्न कार्यक्रमों तक में राष्ट्रगान यानी कि जन गण मन गाया जाएगा। इस साल भी पूरा देश एकजुट होकर 15 अगस्त वाले दिन राष्ट्रगान गाएगा। जब भी ये गीत बजता है तो हर कोई इसके सम्मान में तुरंत खड़ा हो जाता है। लोगों के दिल में देशभक्ति के जज्बा पैदा हो जाते हैं। पहली बार भारत का राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 में कोलकाता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। राष्ट्रगान के रचयिता राष्ट्रकवि रविंद्रनाथ टैगोर थे, जबकि इसे गाया उनकी भांजी सरला ने था। उन्होंने स्कूल के बच्चों के साथ गीत को बंगाली और हिंदी भाषा में गाया था। ये वही साल था जब रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना की थी। उन्होंने पहले ये गीत बंगाली भाषा में लिखा था, फिर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के अनुरोध पर आबिद अली ने इसका हिंदी और उर्दू में अनुवाद किया, फिर इसकी अंग्रेजी भाषा में भी रचना की गई थी। राष्ट्रगान सबसे पहले आजाद हिंद फौज का राष्ट्रगान बना। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. 1947 में देश के आजाद होने के बाद 24 जनवरी 1950 में संविधान सभा ने जन गण मन को भारत का राष्ट्रगान घोषित किया था। राष्ट्रगान को गाने में कुल 52 सेकंड का समय लगता है। वहीं इसकी पहली और आखिरी पंक्ति को गाने में 20 सेकंड का समय लगता है। इसे लेकर कुछ नियम भी बनाए गए हैं, इसका पालन करना अति आवश्यक है। अगर कोई शख्स इस नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि भारत पर कब्जे के दौरान 1870 में अंग्रेजों ने अपने गीत गॉड सेव द क्वीन को गाना अनिवार्य किया था। इससे तत्कालीन सरकारी अधिकारी बंकिम चंद चैटर्जी को ठेस पहुंची और उन्होंने 1876 में इसके विकल्प के तौर पर संस्कृत और बंगला भाषा के मिश्रण के साथ वंदे मातरम गीत की रचना की थी। शुरुआत में इसके केवल 2 पद रचे गए, ये दोनों ही संस्कृत भाषा में थे। फिर देश को आजादी मिलने के बाद इसे राष्ट्रीय गीत का दर्जा दिया गया। राष्ट्रगान से जुड़ी एक खास बात ये भी है, उसके बोल और धुन खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में तैयार किया था। अगर कोई राष्ट्रगान के नियमों का पालन नहीं करता, अपमान करता है, तो उसके खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल ऑनर एक्ट 1971 की धारा 3 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप इंडिया टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें Twitter, Facebook और Instagram पर जरूर फॉलो करें।